नमस्कार, मैं हूं अलीशा जुनेजा और आपके लिए लाई हूं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पहली बार स्विस बैंक भारतीयों के जमा पैसों की जानकारी करेगा सांझा। पत्रकारों के वित्त मंत्रालय में जाने से मोदी सरकार का परहेज लगाया बैन। यूएन में भारत ने कहा दाऊद की डी कंपनी आतंकी संगठन से कम नहीं। 23 जुलाई ब्रिटेन को मिलेगा नया पीएम। बोरिस जॉनसन और जेरेमी हंट में मुकाबला। रिजर्व डे में आज होगा भारत न्यूजीलैंड का अधूरा मैच। भारत के हर तरफ से फाइनल में पहुंचने के दरवाजे खुले। दूती चंद ने रचा इतिहास। 100 मीटर रेस में ग्लोबल इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय। अब बिल्डरों को दिया पैसा रहेगा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले की सुनवाई पर सरकार की यूनिफॉर्म प्रस्ताव लाने का दिया आदेश। इंडिगो विमान कंपनी के प्रमोटर्स के झगड़े से कंपनी के शेयर में 18% की गिरावट। शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह का बॉक्स ऑफिस में बजा डंका। 18वें दिन फिल्म की कमाई पहुंची तकरीबन 240 करोड़। कंगना रनौत का पत्रकार से बदसलूकी पर गुस्साई मीडिया ने किया ऐलान। फिल्म जजमेंटल में क्या का करेंगे बहिष्कार। अब खबरें विस्तार से। स्विस बैंक 30 सितंबर से पहले भारतीय सरकार को उन खातों की जानकारी साझा करेगा जिनमें भारतीय उन रईसों का पैसा जमा है, किंतु जानकारी मुताबिक ये सूचना बहुत बड़ी है। इसे एक बार में भेजना मुमकिन नहीं होगा। ऐसा संभव हो पाया क्योंकि स्विस एजेंसियों के मुताबिक भारत उन 73 देशों की लिस्ट में शामिल है जिनकी जानकारी साझा की जाएगी। पिछले साल 36 देशों के साथ AEOI समझौता लागू किया गया था जिसके तहत ये जानकारी साझा की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विट्जरलैंड की संसदीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जानकारी साझा होने का रास्ता साफ हो चुका है। अब वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के जाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल उन्हीं मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिन्होंने पहले से अधिकारियों से मिलने का वक्त ले रखा है। मंत्रालय से जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया है कि PIB कार्ड धारक पत्रकारों के प्रवेश पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में प्रवेश पर रोक नहीं है। पत्रकार अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें अलग से प्रवेश पास बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने मंगलवार को UNSC में कहा कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी अब पूरी तरह आतंकी संगठन में तब्दील हो चुकी है। सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि डी कंपनी की अवैध आर्थिक गतिविधियों को बाहर से समझना जाना मुश्किल है। डी कंपनी की गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियां दूसरी जगहों पर भले ही बहुत कम हो, लेकिन हमारे देश में यह बड़े पैमाने पर हैं। दाऊद हमारे क्षेत्र में सोने की तस्करी, जाली मुद्रा, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गैरकानूनी काम करता है। यह असली और वर्तमान खतरा है। आगामी 23 जुलाई को ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। इस पद के लिए बोरिस जॉनसन और जेरेमी हंट का मुकाबला चल रहा है। इस पद पर चुनाव के लिए ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 1.6 लाख सदस्यों को 22 जुलाई तक बैलेट वोट भेजने होंगे। इसके बाद 23 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। इससे पहले यहाँ हम आपको सदस्यों की पसंद के बारे में बता रहे हैं। आखिर ब्रिटेन में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य किस उम्मीदवार को अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बीते दिन बारिश की भेंट चढ़ा भारत न्यूजीलैंड का मैच आज फिर होगा। जहां से मैच कल रोका गया था वहीं से मैच की शुरुआत होगी। अब देखना यह होगा कि बारिश आज भी यह मैच पूरा होने देगी या नहीं। लेकिन हार जीत से अलग यदि देखा जाए तो भारत के इस फाइनल में पहुंचने के सारे रास्ते साफ हो चुके हैं। भारत की शीर्ष महिला धाविका दूती चंद ने इटली में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रच दिया है। दूती ने 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर कंपटीशन का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। देश भर को दूती चंद पर नाज है। इसी मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर दूती चंद को जीत की बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह लाखों होम बायर्स की दिक्कतों को दूर करने के लिए एक यूनिफॉर्म प्रस्ताव लेकर आए। ये होम बायर्स बिल्डर्स को मोटी रकम दे चुके हैं लेकिन इन्हें फ्लैट का पोजेशन नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने JP इंफ्राटेक लिमिटेड मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यह मामला लाखों फ्लैट बायर से संबंधित है और केंद्र सरकार को सबके लिए एक प्रस्ताव लेकर आना चाहिए कि इससे परेशानी से उन्हें कैसे निजात मिलेगा।
इंडिगो के सह संस्थापक राहुल भाटिया के साथ तीखे विवाद में उलझे प्रमोटर राकेश गंगवाल ने अपनी कंपनी को पर गवर्नेंस चूक का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक पान की दुकान भी इस मामले को बेहतर तरीके से सुलझा सकती थी। गंगवाल ने कहा कि कंपनी अपने गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों और मूल्यों से दूर हट रही है। इंडिगो की होल्डिंग कंपनी इंटरग्लोब एविएशन में गंगवाल और उनकी सहयोगी इकाइयों की करीब 37% हिस्सेदारी है। वहीं सह संस्थापक राहुल भाटिया और उनकी सहयोगी इकाई की कंपनी में करीब 38% हिस्सेदारी है। इंडिगो पर लगे इस आरोप के बाद अब कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है। आज बुधवार को कंपनी का शेयर 19% तक गिर गया। शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह 21 जून को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म रिलीज होने के तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए हैं। शाहिद कपूर ने तीनों खान को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है। इस फिल्म ने सलमान की भारत, शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस और रणवीर सिंह की सिम्बा का लाइफ टाइम कलेक्शन पार कर लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल द्वारा पूरे मीडिया को खरी खोटी सुनाना और अपशब्दों का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। गिल्ड ऑफ इंडिया ने कंगना की फिल्म जजमेंटल है क्या को पूरी तरह बायोकॉट करने का फैसला किया है। संस्था ने फैसला किया है कि कंगना को मीडिया कवरेज नहीं दिया जाएगा। मालूम हो कि कंगना रनौत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद उनकी बहन ने भी मीडिया के खिलाफ ट्विटर पर काफ़ी कुछ बुरा भला लिखा था। अब एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट गिल्ड ऑफ इंडिया नामक संस्था ने फिल्म को प्रोड्यूसर एकता कपूर को लेकर लेटर लिखा है, जिसमें फिल्म को पूरी तरह बायकॉट करने और इसे कोई मीडिया कवरेज नहीं देने की बात कही गई है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।